पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर दो दिनों से गायब है। अपने चारों बच्चों के साथ सीमा दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में सचिन के घर पर रह रही थी, जहां से 24 जुलाई को यूपी एटीएस उन्हें पूछताछ के लिए ले गई थी। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगले दिन 25 जुलाई को भी दोनों से यूपी एटीएस ने कई घंटों तक पूछताछ की, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूछताछ के बाद से ही सीमा हैदर का कोई पता नहीं। मतलब पिछले दो दिनों से सीमा हैदर गायब है, और तो और सचिन के घर के बाहर भी सन्नाटा पसरा है। सीमा कहाँ है इसकी जानकारी ना तो घर के लोगों के पास है और ना ही पुलिस इसमें कुछ बोल रही है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को सीमा के पाकिस्तानी जासूस होने का शक है और इसीलिए उनसे पूछताछ की जा रही है। यही नहीं, पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते बिना किसी के मदद के भारत में घुसने की कहानी भी खुफिया एजेंसियों के गले नहीं उतर रही। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि सिर्फ सीमा हैदर ही नहीं बल्कि उनके प्रेमी बताए जा रहे सचिन मीणा का भी कोई पता नहीं चल रहा। और यही नहीं, सचिन के घर वाले भी सामने नहीं आ रहे। दो रोज पहले तक दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वहां आज सन्नाटा पसरा है। और जो लोग वहां दिखाई भी दिए वो कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोमवार को यूपी एटीएस की एक टीम सीमा हैदर और सचिन मीणा को पूछताछ के लिए ले गई थी। दूसरे दिन भी उनसे लंबी पूछताछ हुई, लेकिन सूत्रों का दावा है कि यूपी एटीएस की इस पूछताछ के बाद से ही सचिन और सीमा का कोई पता नहीं। सीमा हैदर और सचिन कहाँ गए, किस जगह पर गए, किसी को नहीं पता, लेकिन घर का जो दरवाजा है वो इसी तरह से यहाँ पर खुला हुआ है। सूत्र बताते हैं कि पिछले हफ्ते भी सीमा और सचिन से पूछताछ हुई थी और बाद में उन्हें नोएडा के एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था। इसलिए ये भी दावा किया जा रहा है कि यूपी एटीएस ने दोनों को किसी सेफ हाउस में रखा है, जहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां ऑनलाइन गेम पबजी पर सीमा हैदर के बाकी साथियों को ढूंढने में जुट गईं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि सचिन मीणा को साजिश के तहत इस खेल में ट्रैप करके लाया गया था। पुलिस एफआईआर के मुताबिक 2019 में पबजी पर सीमा और सचिन की पहचान हुई थी। और खुफिया एजेंसियों को शक है कि पबजी पर सीमा हैदर के साथ कई साथी भी मौजूद थे, क्योंकि इस ऑनलाइन गेम में एक साथ 10 लोग खेल सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि इस थ्योरी को खंगालने के लिए यूपी एटीएस ने पूछताछ में सचिन से जानकारी भी जुटाई, जैसे उनकी पहचान सीमा से कैसे हुई और क्या उनके संपर्क में पाकिस्तान के दूसरे लोग भी थे। इसीलिए जांच एजेंसियों को शक है कि सचिन को फंसाने के लिए सीमा हैदर को पबजी गेम में जानबूझकर मरियम खान के नाम से लाया गया था। और जब सीमा धीरे धीरे सचिन के नजदीक आने लगी तो पाकिस्तानी गेमर खुद ही पीछे हट गए। इसीलिए जांच एजेंसियां पबजी पर सीमा हैदर के बाकी साथियों की तलाश में जुट गईं। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा को हनी ट्रैप में फंसाने का शक जताया। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का दावा है कि 2019 में वो ऑनलाइन गेम पबजी पर सचिन से के साथ मिली थी। उनके मुताबिक थोड़े दिनों की दोस्ती के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, जिसके बाद वो सचिन के साथ रहने के लिए अपने चारों बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंच गई। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच एजेंसियों को सीमा हैदर और सचिन मीणा की इस लव स्टोरी पर जरा भी भरोसा नहीं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि इन दोनों की लव स्टोरी कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सचिन को साजिश के तहत हनी ट्रैप किया गया है। जांच एजेंसियों को ये भी शक है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर सीमा ने सचिन को अपना मोहरा बनाया और फिर उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए भारत में दाखिल हो गई। हालांकि सूत्रों का दावा है कि पूछताछ होने के दौरान सीमा के जासूस होने के कोई सबूत नहीं मिले।